हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं आप तक, देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर लोहारू से, बाजरे की सरकारी खरीद में बड़ा गोलमाल। लोहारू से खबर आ रही है कि बाजरे की सरकारी खरीद में बड़ा गोलमाल, बाजरे की खरीद में आड़ती कर रहे हैं गड़बड़ झाला। बिना सफाई के बैगों में भरा जा रहा है बाजरा, बैगों में भरा जा रहा है झल्ली लगा हुआ बाजरा। पहले से स्टॉक बाजरे को भी बैगों में भरा जा रहा है। लोहारू से बड़ी खबर, तस्वीरें पहुंचाते हुए बाजरे के सरकारी खरीद में बड़ा गोलमाल सामने आया है। बाजरे के खरीद में आड़ती गड़बड़ झाला कर रहे हैं। आपको बता दें कि खबर आ रही है कि बिना सफाई के बैगों में बाजरा भरा जा रहा है। बैगों में जिस बाजरे को भरा जा रहा है उसमें झल्ली लगा हुआ है। पहले से स्टॉक बाजरे को भी बैगों में भरा जा रहा है। ये बड़ा गड़बड़ झाला लोहारू में हो रहा है। बाजरे की सरकारी खरीद में बड़ा गोलमाल सामने आया है। खबर है कि आड़ती ये गड़बड़ झाला कर रहे हैं। महा सिंह जुड़ गए हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ, बाजरे की खरीद में ये क्या गड़बड़ झाला है महा सिंह? देखिए, समर्थन मूल्य के ऊपर बाजरे की सरकारी खरीद हो रही है और यहाँ पर क्षेत्र में पहले से ही इस तरह की शिकायतें, सांसद धर्मवीर ने भी कहा था कि गाँव के अंदर कुछ किसान आड़ू किसी मिल के एमपी गुजरात यूपी का बाजरा पुराना और नाला के स्टॉक कर रहे थे, तो यहाँ पर लोहारू अनाज मंडी की एक गाड़ी लोड होकर के गोदाम के लिए देख रही, वहां जाकर गाड़ी रिजेक्ट कर दी, उसमें इली और सुनसी मिली है, खराब बाजरा पाया गया है, वो वापिस लौटा दीजिए। इसलिए जिस तरह से ये घपला है उजागर हुआ है और जो बाजरे की सफाई करके बैगों में भरनी चाहिए, इस सभी मंडियों में कहीं पर भी किसी प्रकार की झार और सफाई नहीं की जाती बाजरे की, सीधा बैगों में भरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को चुना लगाया जा रहा है, क्योंकि आड़ती जो सरकार से आड़त और ये बढ़ाई का पैसा मिल रहा है वो सफाई के नाम का मिल रहा है, तो कोई आड़ती किसी प्रकार की सफाई नहीं कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया महा सिंह इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।